लॉन्ग टाइम अगो इन अ गैलेक्सी फार फार अवे, लोग बाग कंप्यूटर परचेस करने के पहले सोचते थे कि यार ग्राफिक कार्ड कौन सा परचेस करूं, 1060 ले लूं या 580 ले लूं। 580 ले लेता हूं, सही रहेगा। वहीं आज कंप्यूटर बिल्ड करने के पहले सवाल कुछ और ही होता है, किडनी बेच दूं या किडनी नहीं बेचूं, ग्राफिक कार्ड लूं या नहीं लूं। Now with this change in time, कोई change हुआ हो या नहीं हुआ हो, AMD sure seem to have caught up with the trend, क्योंकि AMD scene में APUs लेके आया है, तो पहले जहां पर APUs used to be very very weak, अभी AMD ने निकाले हैं दो नए APUs, namely 5600G and 5700G, पर एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सी, मेरा नाम फ्लोरेंस है, आप टेकफेस देख रहे हैं और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है AMD ने, लेकिन मैं कोई भी बात को बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। आई एम ओनली गोना टेल यू व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट आई हैव पर्सनली यू नो एक्सपीरियंस्ड इन द लास्ट 10 टू 15 डेज, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग द सेम प्रोसेसर यानी कि APU 5600G एंड वही बारे में यू नो आज वील टॉक अबाउट। सबसे पहले तो AMD का जो भी हाल फ्लैगशिप है वो है उनका Zen 3 कोर, और उन्होंने वही Zen 3 कोर का इस्तेमाल करा है टू क्रिएट देयर न्यू APUs। तो नए वाले APUs इसीलिए पुराने किसी भी APU के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इफ यू कंपेयर द न्यू APUs विद द पुराने वाले APUs, तो पुराने वाले APUs वर मोर लाइक कि इनके अंदर आप बेसिक काम कर सकते हो और बहुत ही माइन्यूट सी गेमिंग आप उसके अंदर कर पाते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर दीज न्यू 5000 सीरीज के APUs विद देम इंटीग्रेटेड IGPU कैन ईजिली हैंडल AAA गेम्स एंड कैन ईजिली डू 100+ FPS on some certain e-sports titles too. तो अगर आप e-sports खेलते हैं तो आपको actually में graphic card purchase करने की जरूरत नहीं है, the APU will itself handle those e-sports games without any hiccups whatsoever. Apart from gaming, let's talk about some editing. I will not exaggerate, लेकिन पिछले के जो दो मैंने बनाए हैं videos YouTube पर डाले मैंने खुद के videos, वो दोनों videos मैंने बिना किसी graphic card के सिर्फ और सिर्फ 5600G पे edit करके upload करें। So I don't think I need to tell anything more about that. You can actually handle easily Premiere Pro and Photoshop kind of applications in these APUs without any hiccups. But आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आज focus करने वाले हैं completely on the 5600G. तो पहले specifications of the 5600G. 5600G एक hexa-core CPU है, इसके अंदर 12 threads हैं क्योंकि इसके अंदर SMT enabled है, इसके अंदर 7 nanometer का architecture है and इसके अंदर total मिलाके 7 graphical compute units भी हैं, which is the Vega 7 का IGPU, इसके अंदर 65W का TDP है, इसकी जो base फ्रीक्वेंसी है वो है 3.9 गीगाहर्ट्ज की एंड इसकी जो ओवरऑल बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4.4 गीगाहर्ट्ज की एंड इस सीपीयू के अंदर 19 MB की टोटल कैश है एंड जो प्राइसिंग है इसकी दैट इज नियर 24,000 rupees। अब अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो भी आई वुड हैव टोल्ड यू दिस वेरी सेम थिंग कि इंडिया के अंदर एट दिस प्राइस ऑफ अराउंड 20,000 rupees के आसपास के अंदर द ओनली सीपीयू व्हिच कैन गिव यू ग्रेट परफॉर्मेंस विदाउट इन्वेस्टिंग इन अ ग्राफिक कार्ड इज द 5600G। All facts, no cap. Like ये actual fact है, ये actual unbiased opinion है मेरा. Alright, अब बारी आती है benchmarks की. Now अगर हम compare करते हैं 5600G को with the previous generation का 3400G, तो यहाँ पर we get to see कि 5600G जो है वो 39% better है when compared in PC Mark 10 and of course Cinebench R20. R20 single threaded workload के अंदर. वहीं पर अगर हम बात करते हैं R20 के मल्टी थ्रेड के अंदर तो वी गेट टू सी मोर देन डबल द परफॉर्मेंस, यानी कि 118% का गेन यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड 23% का बेटर रिजल्ट्स इन द 3D मार्क टाइम्स बाय व्हेन पेयर्ड विद अ डिस्क्रीट GPU। अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में, तो 5600G के अंदर आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड के भी एट द रेजोल्यूशन ऑफ 1080 पिक्सल्स एंड एट द लो सेटिंग्स पॉसिबल वहां पर इन CS:GO यू गेट टू सी 125 FPS, इन Fortnite यू गेट टू सी 98 FPS व्हिच इज ग्रेट इन ई-स्पोर्ट्स। इसके बाद बात करें लीग ऑफ लेजेंड्स की तो यू गेट टू सी 184 FPS। अब बात करते हैं कुछ AAA गेम्स के बारे में, तो इन गेम्स लाइक Assassin's Creed Odyssey यू गेट टू सी 33 FPS का एवरेज एंड वहीं पर Metro Exodus के अंदर यू गेट टू सी 44 FPS का एवरेज एंड सेम इज द रिजल्ट इन GTA 5 2। सो दीज काउंट गेम्स आर इजिली प्लेबल ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ 1080p एट लो सेटिंग्स। तो ये जो APU है ये बिना ग्राफिक कार्ड के सारे गेम्स रन करता है एट मोर देन प्लेबल फ्रेम रेट्स। Awesome. अब कंटेंट क्रिएशन के बारे में आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू अ लॉट बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग यू दिस वेरी सेम थिंग कि मैंने खुद ने पिछले सारे वीडियोस अपने इसके ऊपर एडिट करे हुए हैं। तो टेक माय वर्ड फॉर इट, प्रीमियर प्रो हो गया, डाविंची रिजॉल्व हो गया, फिल्मोरा हो गया, फोटोशॉप हो गया एंड एनी अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस लाइक ब्लेंडर एंड कीशॉट, यहां पे आप आराम से 5600G की मदद से काम अपना कर सकते हैं बिकॉज आई पर्सनली हैव बीन यूजिंग दिस थिंग एंड आई हैव नॉट हैड एनी काइंड ऑफ हिकअप्स
in these kind of applications. Also, a slide on the screen right now where they have compared the 5600G with the 11600. Let's now have a look at the software side of the game. अब यहाँ पे क्योंकि जो AMD के Ryzen 5000 series के APUs हैं, उनके अंदर वही same Radeon graphics लगा हुआ है, इसीलिए आप इसके अंदर proper graphic card वाला software का इस्तेमाल कर सकते हैं. The entire Radeon stack can be used over here, like the AMD Fidelity FX Super Resolution, Radeon Boost, Radeon Anti Lag, and Radeon Image Sharpening and lot more. पर वी ऑल नो दिस थिंग सबसे कूल तो FSR ही है, तो लेट्स जस्ट नाउ हैव अ लुक एट द FSR ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. CFSR का मतलब होता है कि आप एक नेटिव रेजोल्यूशन पे गेम को पहले रेंडर कर रहे थे, लेकिन अगर आप एक सिंगल क्लिक करते हैं FSR पे, तो उस नेटिव रेजोल्यूशन पे गेम अब रेंडर नहीं होगा, गेम रेंडर होगा उससे थोड़े से लो रेजोल्यूशन पे. एंड FSR अपने AI की मदद से उस लो रेजोल्यूशन के गेम को अपस्केल करेगा टुवर्ड्स दैट नेटिव रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से अगर आपको पहले मिल रहे थे अराउंड 30 FPS, तो अब आपको मिल सकते हैं अराउंड 44 FPS, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग्स दैट यू चूज. यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस, यहाँ पे होता है क्वालिटी, यहाँ पे होता है अल्ट्रा क्वालिटी, एंड देन देयर इज समथिंग ऑल इज दी balance. So depending on the choices that you make in the FSR ka area, you can choose ki aapko kitna, you know, visual quality milegi aur aapko kitna zyada improvement milega in the overall frame rate of the game. So that is really great kyunki aapko proper graphic card wale software ka istemal karne ko yahan pe mil jata hai in these IGPUs of these APUs. Talking about both 5600G and 5700G. अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गेम सपोर्ट करते हैं FSR को. तो गेम्स आर गॉडफॉल, रेजिडेंट ईविल विलेज, द रिफ्ट ब्रेकर, एनो 1800, ब्लैक डेजर्ट, शिनोबलाइट, एंड ऑफ कोर्स डोटा 2. एंड जो अपकमिंग गेम है जो कि कंपैटिबल है विद द FSR विल बी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. द वन व्हिच आई कैन रिमेंबर ऑन द टॉप ऑफ माय हेड इज द फार क्राई 6. बाकी और भी हैं, तो व्हाटएवर दे आर, आई एम गोना पुट देम ऑल ऑन द स्क्रीन आउट देयर. अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी के बारे में, यानी कि अगर आज की डेट के अंदर किसी इंसान को अगर कंप्यूटर बिल्ड करना हो विद दीज न्यू APUs, तो व्हाट विल ही डू, मोस्ट लाइकली व्हाट विल ही बाय फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि मदरबोर्ड कौन सा लेंगे. सो सी, आज की डेट के अंदर 5 मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि कंपैटिबल हैं विद दीज न्यू APUs. दे आर नेमली X570, X470, B550, B450 एंड ऑफ कोर्स दी A520 मदरबोर्ड्स. तो ऐसे 5 मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं, इनमें से अगर कोई सा भी आपके पास रखा हुआ है पहले से, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस जाना है इंटरनेट पे, एंड देन यू हैव टू डाउनलोड दी लेटेस्ट BIOS, एंड देन BIOS को करें फटाफट से अपने इंस्टॉल मदरबोर्ड के अंदर, एंड देन यू विल बी एबल टू रन दिस APU इन योर करेंट एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड. सो दैट इज एक्सट्रीमली ईजी टू रन दीज न्यू APUs. तो बहुत ही सिंपल है. ऑल्सो अ वेरी स्मॉल थिंग टू नोटिस कि अगर आपके पास में हाई फ्रीक्वेंसी की रैम है, तो वो बेटर होगी आपके APU के लिए, क्योंकि दैट रैम इज गोना हेल्प यू आउट इन बोथ गेमिंग एंड इन वीडियो एडिटिंग. तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी की रैम लेते हैं तो बेटर रहेगा, मतलब कि 24 MHz की मत लें, 32 कम से कम लें या 3600 लें, तो वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है. ऑलराइट, लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि AMD सिस्टम जो है वो आपको एक्स्ट्रा क्या क्या देता है. असल में यहाँ पे आपको, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम विद दीज 5000 सीरीज के जी सीरीज के APUs को, तो वहाँ पर यू एक्चुअली स्टैंड अ चांस टू विन एन एंटायर गेम और जस्ट DLCs. लेकिन अगर आप सिस्टम बिल्ड करते हैं जिसके अंदर AMD प्रोसेसर है और AMD ग्राफिक कार्ड भी है, तो तब यू विन अ चांस टू गेट योर हैंड्स ऑन दी Far Cry 6 की कॉपी या Resident Evil Village की कॉपी. सो देयर इज दैट. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम गोना पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट चेक देम आउट इन द गेम रिडेम्पशन पोर्टल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इसके अलावा बात करें एकदम आउटरो की, तो ऑल फैक्ट्स नो कैप को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस जो आपको मिल जाती है Ryzen के 5600G के अंदर, 5700G के अंदर, वो बहुत ही सॉलिड है बिकॉज अगेन ऑफ दिस Zen 3 कोर्स एंड ऑफ कोर्स द Radeon ग्राफिक्स. मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स मोर इम्पॉर्टेंटली अबाउट दी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो. और जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर 5600G फॉल करता है ना, वो उस प्राइस सेगमेंट का एक्चुअल किंग है. और उस प्राइस सेगमेंट के अंदर इफ यू आर नॉट बाइंग अ ग्राफिक कार्ड, देन दैट इज द ओनली प्रोसेसर व्हिच एक्चुअली मेक्स अ लॉट मोर लाइक अ हेल लॉट ऑफ सेंस इन दैट एरिया. तो वो जो परफॉर्मेंस देता है आपको इन बोथ ग्राफिक इंटेंसिव वर्कलोड एंड इन CPU इंटेंसिव वर्कलोड इज एब्सोल्युटली अनमैच्ड एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू बीट. सो दैट इज गोना बी द ओवरऑल वीडियो. वी आर गोना एंड द वीडियो ओवर हियर. इन केस यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट, in case you resonated with the frequency of mine, do give me a like, do give me a sub, and do drop a comment. I'm gonna meet you all in the next one. Take care, guys, and peace out. Johnny out.